हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सॉरी कल नहीं परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड कर पाया, नहीं आज के लिए स्टॉक से पाया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट आई एम फाइन। एंड यस, कल का कवर हम आज कर लेंगे बिकॉज मार्केट तो है ही, मार्केट हमेशा रहेगा। आई होप आप लोगों ने कुछ ट्रेड्स लिए होंगे, लेवल्स जो हमारे कुछ लिए थे आपके साथ, तो मैंने शेयर किए थे, साझा किए थे, एंड कुछ प्रॉफिट आप लोगों का जरूर बनाया होगा। अगर बनाए हो तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कल के लिए। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी आज, सेल ऑफ हो गया और हमने 410 के लेवल के नीचे ने क्लोजिंग की। तो फिलहाल के लिए वी कैन से कि निफ्टी इज वीक, एंड ऑल्सो वी कैन से वन थिंग कि यहाँ पे जो गैप था वो निफ्टी ने फिल किया है। सो वी नीड टू वॉच आउट कि कल आज की जो क्लोजिंग है और लोगों को वो अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो वो एक बार के लिए दो टेक्निकल बॉक्स के लेवल्स हैं, 16223 के और 16203 के लेवल। तो 16200 का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट के लेवल काम करना चाहिए निफ्टी के लिए, और उसके नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है वो 16162 का लेवल है। ऑलराइट, तो वॉच आउट करेंगे इसके लिए। अब देखते हैं कल के लिए और बचे हुए सप्ते के जो दिन हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है दो दिन। ओके, थर्सडे एंड फ्राइडे। इनके लिए कुछ स्टॉक्स, कुछ नहीं बहुत ढेर सारे स्टॉक्स, क्योंकि कल गैप हो गया तो मैं लेकर आया टोटल 24 स्टॉक्स, जिसमें हम कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। एंड डू नॉट वरी, ओके, कुछ अच्छे स्टॉक्स इनमें से आप चुन करके, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को वॉच लिस्ट में डालें, या सबको मॉनिटर कर सकते हैं, देन गुड यूर टूवर्ड्स गुड ट्रेडर इन बिल्डिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कल के स्टॉक्स जिनमें कन्फर्मेशन का ट्रेड लेंगे ऑन द लॉन्ग एंड ऑन द शॉर्ट साइड। पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पर बार बार स्टॉक जोन के अंदर बाउंस कर रहा है, जोन के नीचे नहीं जाना चाह रहा है, तो वॉचआउट करेंगे। आज के डे हाई के ऊपर अगर चलना शुरू करता है देन वी कैन मेक अ गुड मूव इन द स्टॉक, एंड एक बार फिर से जो इसका स्विंग हाई है उसको रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मूव करना शुरू करता है, डे हाई को ब्रीच करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 3842 का लेवल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बॉश लिमिटेड। यहाँ पे भी कुछ सेम सिनेरियो, तो यहाँ पर जो है मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, देखिए ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया और वहीं से बाउंस लिया। अगर इंटरडे टाइम फ्रेम देखें ऐसी बना रखा भी सी वहीं से बाउंस लिया है, सो वॉच आउट करना होगा इस ट्रेंड लाइन पे। यदि ब्रेक डाउन देता है ओके, तो हमें शॉर्ट की एंट्री इसमें बनानी है, और जो सेफ साइड चलना चाहते वो एक बार के लिए 13865 की जो लेवल है उसके ब्रेक डाउन होने का या उसके नीचे क्लोजिंग का वेट करें टू एंटर। ऑलराइट, आवर टारगेट्स विल बी द लेवल ऑफ 13225 डाउन टिल 12467। ओके, अच्छा इस ट्रेड भी बनेगा यहाँ पे, विच विल गिव अस अराउंड, लेट मी जस्ट टेल यू, वन कैन मेक अप टू 10%। ऑलराइट, स्विंग वालों के लिए भी और डायरेक्टिव वालों के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज वी गेट द कंफर्मेशन। अब अगला है बलराम चीनी। यहाँ पे भी वही है, बार बार अपने टेक्निकल पे बाउंस कर रहा है, तो वी नीड टू वॉच आउट। अगर टेक्निकल भी नीचे जाता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फर्स्ट टारगेट विल बी 392.7 रीच करता है, मिला है कंफर्मेशन कि एक बार फिर से स्टॉक अपने सेलिंग जोन में आ गया है। और फर्स्ट टारगेट विल बी दिस स्विंग जो कि लेवल है 377.5 का। ऑलराइट, इसी बहुत इजी तरीके से मैं बताता हूँ, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स यू गाइस नीड टू लर्न, तो उसके लिए प्लीज़ आप कोर्स के लिए इंक्वायरी कीजिए और आई प्रोमिस टू यू अ गुड करियर इन फाइनेंशियल फील्ड इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ओके, डीड एनी थिंग स्टॉक मार्केट फॉरेक्स का भी मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ, फॉरेक्स में भी मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत जल्दी मैं कॉन्टेंट लेने आया हूँ और आई एम प्रिपेयरिंग ए कॉन्टेंट टू अपलोड फॉर यू गाइस स्पेशली अपलोडेड इन लाइक सूनर। ओके, तो वेट करेंगे जैसे ये लेवल टूटता है 392.75 का, तो आप फर्स्ट टारगेट पुलिस 377.5 का लेवल। ओके, इसके बाद अगला है टाटा स्टील। बार बार स्विंग को टेस्ट कर रहा था, आज एक अच्छा बाउंस मिला है तो वॉच आउट करेंगे। अगर डे हाई को ब्रीच करता है देन ये स्विंग टूटेगा एंड स्टॉक की जो गैप बनाया है उसको कवर करने आएगा, तो आर टारगेट कैन बी टॉप टू द लेवल ऑफ 1120। ऑलराइट, और यदि स्विंग को तोड़ता है
इसी स्विंग के लेवल से 1102 के लेवल से रिजेक्शन ले करके 10 एमएम में शॉट करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आर टारगेट विल बी द लेवल ऑफ 983 ऑन द लोअर साइड। इसके बाद आता है कोकोच। ब्रेकडाउन हुआ है इस कैंडल को टेस्ट करने के लिए आने वाला स्टॉक 3515 के लेवल 10:20 तक क्लोजिंग दी है। कल यदि फ्लैट ओपन होता है और इस स्विंग को रिटेस्ट करता है और नीचे में करना शुरू करता है देन इट्स अ कंफर्मेशन कि स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाने का टाइम आ चुका है। द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस स्विंग लो, ओके, जो कि लेवल है 3353 का एंड उसके नीचे जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो 3222 का इंटैक्ट है। ऑलराइट, मैं मार्क कर देता हूँ लेवल यहाँ पे ताकि आप लोग नोट कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो कि है लार्सन ट्रिपल इनपुट। यहाँ पे भी 12 स्विंग के बाउंस लिया था और यहाँ पे एक अच्छा एक पिन बना है बुलिश पिन, तो डे हाई को यदि ब्रीच करता है ओके तो आर टारगेट विल बी दिस स्विंग, और इस स्विंग को भी ब्रीच करता है तो आर टारगेट विल बी 4600 का राउंड लेवल फॉर द नेक्स्ट डे एंड वहाँ से ट्रेल करके द टारगेट कैन बी अप टू 4746 का लेवल, ओके। अब इसके बाद जो है अगला स्टॉक वो है टाइटन। ठीक है, तो जैसा देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन पर आकर के 1234 टाइम्स यहाँ पे भी फुल बैक लिया है, तो आज की डे हाई को अगर ब्रीच करता है या फिर से 2122 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना शुरू करता है आर टारगेट विल बी स्ट्रेट अप टू द लेवल ऑफ 2292, ओके। और यदि इसी सपोर्ट के आसपास ओपन होता है 2122 के स्विंग सपोर्ट पे लेवल पे तो रिजेक्शन लेता फॉल करना शुरू करता है 10 को फॉल करते हैं देन आर फर्स्ट टारगेट ऑन द लोअर साइड 2062 का लेवल। ऑलराइट, अप टू ये स्विंग कर लो, ओके, विच इज अराउंड 2030 का लेवल। इसके बाद नेक्स्ट इज मैकडॉनल्ड्स, अपना यूनाइटेड स्पिरिट्स। राइट, मेरा नंबर वन। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था उसी के नीचे से क्लोज दिया 7.8 का लेवल, तो उसी के नीचे क्लोजिंग दिया है तो वॉचआउट करेंगे। यदि टेक्निकल बाउंस लेता है यहाँ से और 775 के लेवल से रिजेक्शन लेके फॉल करना शुरू करता है तब टारगेट सेल भी 765 से लेकर के जो नीचे के सपोर्ट के लेवल है 738 के लेवल, जो कि हम ट्रेडिंग के साथ मूव करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अपना हैवी वेट रिलायंस। रिलायंस इज वेरी अप टू गोइंग मेकिंग इट्स ऑल टाइम फ्रेश न्यू हाई, ओके। सो स्विंग पे ही क्लोजिंग इसने दी ऊपर फुल बैक लेकर के इस पर, तो वॉचआउट करना होगा। अगर इस स्विंग को तोड़ता है तो यहाँ पे एक अच्छा कॉलम देख सकते हैं जो कि स्विंग का लोगो रहेगा यहाँ तक का, ओके। और फिलहाल यहाँ से अगर सपोर्ट रहता है देन एक फ्रेश न्यू हाई की तरफ जाएगा, टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 2856 ओके। ये टारगेट रहेगा हमारा ऑन द हाई साइड, उसकी बार को ट्रेड कर सकता है। ऑलराइट, अब इसके बाद जो अगला है वो है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। मिर्ज़ा इंटरनेशनल में भी एक अच्छा पुल बैक लिया है, इसे स्विंग का सपोर्ट लेकर के आज एक अच्छा पुल बैक लिया है, सो वॉचआउट करेंगे। डे हाई को रीच करेगा या क्लोजिंग ऊपर जाता है तो ये अपना ही फ्रेश हाई बनाएगा पक्का, सरप्राइज एक्शन सेज इट। एंड इफ रिजेक्शन लेता है 233 के लेवल को तोड़ता है नेक्स्ट लेवल का फॉल देखेंगे जिसका हमारा टारगेट रहेगा ये दिस लेवल, जो कि ये कैंडल बिलो 205.6, ओके। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, वॉच लिस्ट में रखिएगा अपने, ताकि ट्रेडिंग में कंडीशन लेने में एंट्री और एग्जिट में आसानी हो, ओके। इसके बाद है एस्ट्रो। एस्ट्रो में भी एक अच्छा पुल बैक हुआ है तो वॉचआउट करेंगे, डेहाई के ऊपर अगर चलना शुरू करेगा तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आता है नौकरी, अब 9.5 सी यहाँ पे भी बढ़िया पुल बैक लिया है, स्विंग के ऊपर क्लोज किया है 3691.85 का लेवल था, 9725 पे क्लोज किया है, तो इसी पे स्विंग पे सपोर्ट लेते हुए अगर मूव करना शुरू करता है द फर्स्ट टारगेट विच विल बी एमिंग फॉर विल बी दिस
the level of 4050. All right. इसके बाद नेक्स्ट इज भारतीय टू सॉरी तो भारतीय टू में सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है, स्विंग का भी ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लेवल था इसका विच वॉज 6.6785। ओके तो इसी लेवल को फिर से रीटेस्ट करता है और फॉल करना शुरू करता है, देन वी गेमिंग फॉर द टारगेट 6.3.7 और उसके नीचे जो टेक्निकल बाउंस है जहाँ से ही फिर से फर्दर अपवर्ड मूव इनिशिएट कर सकता है, इट इज द लेवल ऑफ 6.44। ऑलराइट, तेजी के लिए इसे स्विंग के ऊपर जाना होगा जो कि लेवल है 7.06.6 का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोना VLW सोना कॉल्स। तो यहाँ पे भी स्विंग को बहुत अच्छी तरीके से क्लोज दिया है, एक बार स्विंग को टेस्ट करते हुए और 595.9 के लेवल के ऊपर जाना शुरू करता है तो हम इसमें अगले लेवल की तेजी देख सकते हैं। ऑलराइट, फॉर टारगेट्स अप टू ये 616 का लेवल तक का हम लोग इसमें एम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिंदल स्टील। ओके तो यहाँ पे भी एक अच्छा पुल बैक लिया है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है, सो वॉचआउट करना होगा, एक बार के लिए वेट करेंगे इसने। ओके एक बार ये अपना ये वाला जो लेवल है इसका, इसको ब्रीच करें अच्छे कंफर्मेशन के लिए, एल्स इसमें एंट्री तो कर बनी चुकी है, तो वेट करेंगे एक बार को इस लेवल को ये ब्रीच करें जो कि लेवल है 384.05 का। ओके तब इसमें हम नेक्स्ट लेवल की तेजी दे सकते हैं और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश की है। आर टारगेट्स विल बी टेल हेयर द लेवल ऑफ 462.7। ऑलराइट, इफ यू गेट अ क्लोजिंग अबव द लेवल ऑफ 384.05 तभी। ओके देन इसके बाद है पॉलीकैप। पॉलीकैप में बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, इसी मल्टीपल सपोर्ट्स की ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है जो मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन को अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, तो स्विंग ट्रेडर्स कैन एंटर इन दिस नाउ। ओके इट्स अ कंफर्मेशन, शोर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड जो टारगेट रहेगा विल बी टिल हियर दिस लेवल, वी कैन से फॉर द स्विंग ट्रेडर्स टारगेट्स विल बी अप टू यू कैन से 1181 तक का लेवल, 1185 तक का लेवल्स। ओके ये लेवल हमारा बनता है 1128 1130 का, एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। पहला तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग टेस्ट जो होगा वो सपोर्ट ये रहेगा, अगर इसे रिवॉर्ड लेना होगा तो 1765 के लेवल तक आकर के कोई रिवॉर्ड लेना होगा, एल्स इस लेवल को भी तोड़ेगा देन नेक्स्ट लेवल की गिरावट हम इसमें देखेंगे 1811 का लेवल की, सॉरी ये ओके 1762 का लेवल। प्लीज मार्क और नोट डाउन द लेवल्स, जो मैं बताता हूँ बिकॉज दिस लेवल्स वो कभी नहीं, ओके लेवल्स कभी चेंज नहीं होते। पॉलीकैप के बाद है अगला एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट में भी एक सी ब्रेकडाउन हुआ है फिलहाल के लिए, अगर ये 2693.5 के लेवल को तोड़ता है देन इसमें हम नेक्स्ट लेवल का फॉल देखेंगे जो कि हमें 2663 से लेकर के 2600 तक के टारगेट्स देगा और द लोअर साइड। ओके और तेजी के लिए इसे अपना ये सपोर्ट लेवल है 2918 के लेवल इसके ऊपर से क्लोज नहीं होगा, तो फिलहाल के लिए हमें शॉर्ट के दिख रहा है 2693.5 का टूटने के बाद एक क्लोजिंग का वेट करें फॉर कन्फर्मेशन फॉर मेकिंग अ शॉर्ट पोजिशन इन द स्टॉक। इसके बाद है शोभा। शोभा में भी बहुत अच्छा पुल बैक लिया है, ओके इसी लेवल को टेस्ट करते हुए फर्दर मूव करता है देन वी कैन एम फॉर द टारगेट्स अप टू 591.8। ओके डू वॉच, ये कंफर्मेशन दें यहाँ पे 537.2 के लेवल को टेस्ट करता हुआ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर मूव कर एक अच्छा प्राइजेशन बना करके फिलहाल भी एक अच्छा प्राइजेशन यहाँ पे दिख रहा है। ओके मे बी कहीं कितने इसमें 591.8 तक के टारगेट्स अचीव हो जाए, मुझे कोई अचंभा नहीं होगा।
बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन। इसके बाद है अपना राजा आईटीसी जो कभी नहीं चला, कितनी मार्केट में चला। ओके तो यहाँ पर भी एक फॉल दिखा है, जो लेवल का सपोर्ट का 268.15 उसको ब्रेक डाउन दिया है, तो वी नीड टू वॉच एक बार क्लिप फिर से। अगर 266.65 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है देन इसमें हम अगले लेवल की गिरावट का कंटिन्यूशन देखेंगे। फिलहाल के लिए तो कंटिन्यूशन का कंफर्मेशन हो ही चुका है क्योंकि यहाँ पे एक टर्नाई बन रही थी जिसका इसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया। ओके अगर वन टू आवर टाइम पे भी यही थी देखें सी कितनी बार सपोर्ट लिया था 1 2 3 4 5 देन उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। सो यहाँ पर कंफर्मेशन यही है कि यदि इस सपोर्ट को तोड़ता है 266.65 को हम इस पर नेक्स्ट लेवल की गिरावट का कंटिन्यूशन देखेंगे। इसके बाद है एसपी अपैरल्स, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोट दीज लेवल्स एंड द ट्रेंड लाइन। ओके तो यहाँ पर इसको एक बार फिर ट्रेंड लाइन को देंगे, इसी पर चलना शुरू करो तो हम एंट्री बनाएंगे। आर टारगेट विल बी 4 to 7.5 और उसके ऊपर यदि कोई लोजिंग देता है देन अगले लेवल की हम तेजी देखेंगे स्टॉक में, एंड आर टारगेट विल बी टिल हियर। आर फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, लेट मी मार्क, पहला टारगेट हमारा रहेगा ये। ओके इसके बाद अगला है ओलेक्ट्रा। तो यहाँ पे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीपल रिजेक्शन लाइन को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है स्टॉक। यदि ये सही टूटता है देन इट विल टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन एंड तुम्हारा टारगेट होगा द फर्स्ट टारगेट विल बी विल विद दिस सॉरी द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस। इस कैंडल का हाई जो है 877.8 ओके फॉलोड बाय दिस टारगेट जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा 907.7। ओके सो डू वॉच आउट द स्टॉक फॉर टुमारो एंड द रिमेनिंग डेज ऑफ दिस वीक व्हिच इज टुमारो डे आफ्टर। इसके बाद है फेड मोगुल, ये नया स्टॉक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, वैसे तीन स्टॉक मैंने इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ अभी तक इस वीडियो में। फेड मोगुल ने भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, स्विंग हाई को ब्रीच किया है, एक अच्छा ब्रेकआउट है, कल इसी को अगर रिटेस्ट करते हो पदम दुकाना शुरू करता है। ओके देन वी कैन एम फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट अप टिल है यहाँ तक के टारगेट सब शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं विच इज लेवल ऑफ 3-4 का लेवल। ओके इसके बाद है कल के लिए आखिरी स्टॉक जो कि है अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पर भी एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, इसी स्विंग को टेस्ट करते हुए मूव करना शुरू करता है देन फर्स्ट टारगेट विल बी 741.85 का लेवल ऑल राइट देन फॉलोड बाय दिस लेवल विच इज 783 ऑल राइट सॉरी 756। ओके तो ये है एनालिसिस 24 स्टॉक्स एंड निफ्टी लेवल्स जो हम कल और परसों के लिए देखेंगे और फर्दर नेक्स्ट वीक में भी देखेंगे अगर अभी कुछ और बनता है कन्फर्मेशन मिलता है ऑन ईदर ऑफ द साइड्स बी इट द लॉन्ग और द शॉर्ट। ठीक है सो आई होप लर्निंग और अर्निंग इज अर्निंग आपको मज़ा आ रहा है, कोर्स भी इंक्वायरी जा रही है, मैचेस चल रहे हैं, आप भी इंक्वायरी कीजिए अबाउट द कोर्स। ओके एंड यस लर्निंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यू विल नेवर बी गेटिंग अ फीलिंग लाइक यू आर गेटिंग बोर्ड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप योर प्रॉफिट्स इंटैक्ट, जय हिंद वंदे मातरम। एंड यस प्लीज़ डू शेयर द कॉन्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ विद योर नियर एंड डियर वंस। ओके ताकि वो भी सीख सके कि हाँ कुछ है जहाँ से हम कुछ अर्न कर सकते हैं, जहाँ से हम कुछ पा सकते हैं for learning, for grooming.
क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लर्निंग कभी एंड नहीं होती है और वेरी वास्ट, वेरी वास्ट, वेरी 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 वास्ट। ठीक है, तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। एनीवेज, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं।